ये सब देख ही सकते हैं, इस छोटी सी मटकी में कुछ होल्स कर मैंने इसमें कंपोस्टिंग करी है और रिजल्ट आपके सामने ही है। सो पीपल, चलिए देखते हैं हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी हुआ है या नहीं। एंड लुक एट दिस, बहुत अच्छे से हमारा कंपोस्ट रेडी हुआ है, एकदम ब्लैक गोल्ड दिख रहा है। चलिए अब इसको निकाल कर देखते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। सो पीपल, देखिए कंपोस्ट एकदम रेडी हो चुका है हमारा और सभी मटेरियल अच्छे से डिकम्पोज हुए हैं। सो पीपल, आप ये देख ही सकते हैं मेरी खाद बनके रेडी है। इस बार जो भी विंटर्स का पूरा जो भी किचन का वेस्ट था मैंने सब कुछ डाल दिया था, और मैंने इस बार पीसेस भी छोटे छोटे नहीं करे थे, कट करके डालना चाहिए ताकि कंपोस्टिंग जल्दी हो। इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने हर कोई चीज़ डायरेक्ट ही डाली थी। और यहाँ पर मैंने इस बार जो हमारे हम खाते हैं मूंगफली, उसके जो छिलके थे वो भी डायरेक्ट डाल दिए थे। बस आप ये देख सकते हैं ये थोड़े अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। बट हमारी खाद जो बनकर एकदम रेडी है, आप ये देखिए जो नॉर्मल किचन वेस्ट होता है, और आप ये देखिए ये कितना अच्छा एक हमारा ब्लैक गोल्ड बन के रेडी हो गया है हमारे किचन के वेस्ट से। इसके अंदर सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे प्लांट्स को चाहिए, और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा होममेड जो खाद है वो बनकर रेडी हुआ है। और आप इसको चाहे तो आपको इसको ना छांव में ही सुखाना है, बस एक दो घंटे के लिए हम छांव में सुखाएंगे और फिर हम बोरी में भर कर रख लेंगे। जब भी हमको चाहिए होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। और आप चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी अच्छे से चला सकते हैं, थोड़ा सूखने के बाद तो आपको एकदम ऐसे बोलते हैं ना एकदम बारीक पाउडर मिल जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप अगर ये डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे प्लांट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं मिट्टी को लाइट बनाने के लिए, उस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर 50% ये और 50% सॉइल, तो भी देखिए ना कितना लाइट वेट है, हमारी मिट्टी अच्छी खासी लाइट और पोरस बनेगी, प्लांट भी काफ़ी अच्छे से इस सॉइल मिक्सचर में ग्रो होंगे। ये देखिए गाइस, कंपोस्टिंग चल रही है। सो बेसिकली दिस इज माई सेकेंड अर्दन पॉट जिसमें मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। और गाइज इधर दिखाऊँ मैं तो मेरी ये प्लास्टिक की बकेट में कंपोस्टिंग चल रही है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर में मैं पहली बार प्लास्टिक की बकेट है जिसके अंदर छेद है उसमें कर रही हूँ कंपोस्टिंग। तो देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। सो पीपल, अभी गर्मी बहुत है इसलिए मैंने ये स्कार्फ वगैरह पहन रखा है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो यस, मैं यही बोल रही थी आपको को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप भी घर में इजीली कंपोस्टिंग कर सकते हैं किचन वेस्ट से, आपने देखा ही है रिजल्ट। और अगर आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस देखनी है तो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो कंपोस्टिंग पर ही है, तो आप जाकर ज़रूर से देखिए। मैं आई बटन में भी यहाँ पर लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आप आराम से जाकर मेरी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताइएगा। दिस इज़ प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ, मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।